गाइज वेलकम टू माय चैनल आकृति ब्लॉग्स। मैं हूँ आकृति एंड मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज फिर बहुत दिन बाद आया हुआ है और मैं अपना ब्लॉग शाम को 7 बजे शूट कर रही हूँ। एंड आज मैं जाने वाली हूँ एक वेडिंग में, इस सीज़न की मीन्स इस साल की मेरी पहली वेडिंग है ये, मतलब पहली बार अभी मैं जा रही हूँ इस साल में। अभी तक कोई शादी ऐसी मिली नहीं थी और आज है एक जगह शादी, मतलब मेरी भाभी की फ्रेंड की शादी है। सो हम लोग सब इनवाइटेड हैं, पूरी फैमिली, बुआ फूफा जी, भैया भाभी और मैं भी जा रही हूँ साथ में। सो मैं अभी रेडी हो रही हूँ एंड अब मैं थोड़ा देर, मतलब पहले तैयार हो जाऊँ फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। एंड अभी मैं अपने ड्रेसअप में तो आ चुकी हूँ, कपड़े पे पहन लिए मैंने एंड अब मैं तैयार होंगी और मतलब ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा यार सीज़न, मतलब साल ख़त्म होने वाला है, अभी तक तो कोई शादी नहीं मिली थी, फाइनल एक शादी मिली है तो ब्लॉग तो ज़रूर बनाऊँगी। सो देखते हैं शादी में जाके क्या होता है वहाँ पर, मैं तो पता ही शादी में क्या होना है। एंड हो गया, मैं अभी पहले रेडी हो जाती हूँ फिर देखते हैं और आगे क्या करना है। तो पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ। सो कैमरे को मैं अभी यहाँ ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई हूँ, तो कैमरे को मैं पहले सेट कर देती हूँ। पहले मैं तैयार होना है, सो कैमरे को पहले मैं कहाँ लगा दूँ। सो मैंने ये लहंगा पहना हुआ है, ये आप देख सकते हो रेड एंड क्रीम कलर में। एंड अब मैं थोड़ा देर तैयार हो जाऊँ पहले, फिर उसका उसके बाद आपको वीडियो दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ फाइनली, मेरा मेकअप जो भी था सब कुछ हो चुका है, रेडी पहन चुकी हूँ। एंड दुपट्टा भी मैंने फिक्स कर दिया, बुआ ने किया है, बुआ भी रेडी हो रही है। मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले बुआ रेडी हो जाए उसके बाद दिखाऊंगी। सो मेरा लुक ये रहा, कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। सो अभी सब रेडी हो जाए, भाभी भी अभी रेडी हो रही है, ऊपर बुआ भी यहाँ पर रेडी हो रही है एंड फूफा जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि फूफा जी कहीं और गए अपने ऑफिस की पार्टी में, वहाँ भी शादी है तो वो वहाँ गए हुए हैं। सो हम लोग, मैं, बुआ, भैया और भाभी, और भाभी एक फ्रेंड भी है वो भी घर में है, तो हम लोग सब जाएंगे अभी। सो तैयार हो जाए फिर मैं आपको सबको दिखाती हूँ। तो गाइस, हम लोग हॉल में आ चुके हैं, अभी तो रूम में थे, तैयार हो रहे थे एंड बुआ भी तैयार होके आ चुकी हैं। तो मैं आपको पहले क्लोज अप दिखा देती हूँ बुआ का, तो आप देखिए फ्रेंड्स। हेलो हेलो। सो बुआ की ब्यूटीफुल सी साड़ी एंड हम लोग वेट कर रहे हैं भाभी का। सो भाभी तैयार होकर आ जाए, उनकी फ्रेंड आ जाए, फिर जाएंगे। अभी बज रहा है 7:30, आधे घंटे में लगभग, नहीं सॉरी 8:30 बज रहा है, कन्फ्यूजन होगी, 8:30 हो रहा है। सो मे बी 9:30 तक हम लोग निकलेंगे, तो अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। एंड शाबी को दिखा देती हूँ आपको। सो गप्पू यहाँ पर सो रही है, ये बड़े आराम से ये अपनी तैयारी कर रही है। देखो अच्छे से सो रही है, पीला 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 पहना हुआ है इसने, येलो येलो, कितनी क्यूट लग रही है आप देखो। सब तो ये सो रही है आराम से, उठेगी तो हल्का मचाएगी फिर। तो शावी यहाँ उठ चुकी है एंड उसकी दूध पीने की तैयारी हो रही है एंड बुआ उसको काला टीका लगा रही है क्योंकि आज वो जा रही है पहली बार बाहर। सो देखिए कैमरे की तरफ ही देख रही है बिल्कुल। शावी बच्चा तो वैसे यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, गाड़ी की फ्रेंड भी आ चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं, भैया गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ पे। सो अब हम लोग बैठ जाते हैं पहले गाड़ी में, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड अब हम लोग निकल चुके हैं शादी के लिए, मेरे साथ भैया एंड बुआ है, भाभी दूसरी गाड़ी में है और शाबी भी है। सो भैया ड्राइव कर रहे हैं, ये हैं बुआ एंड शाबी, ये रही गोदी में बैठी है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ शादी होना है, अभी पार्किंग में है, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। सो मैं मिलती हूँ आपको अंदर, मिलती हूँ, अभी हम लोग अंदर चले जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का। बुआ को यहाँ पे बैठा रहे हैं शाबी के लिए क्योंकि शाबी भी आई हुई है। एंड मैं दिखाती हूँ आपको स्टेज, बहुत ब्यूटीफुल सा स्टेज है, सामने आप देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है। एंड यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी आप देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पर। ए!
अगर हम लोग जाएंगे शादी में है ना तो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, तो पहले प्रिया मामा खाना कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे। बाकी बहुत सुंदर शादी हो रही है, आपको बहुत औसम लग रहा है। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस में आने वाला उस हिसाब से भीड़ बहुत ज़्यादा है, वैसे तो आप बैठे हुए हैं ऐसे भैया भाभी का वेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसे मैंने आपको दिखाया दिखा दिया और आपको आगे एंड बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद मतलब काफ़ी दिन क्या एक साल में वेडिंग में आई हुई हूँ अभी मैं, तो अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। दिखा दिया आपको दूल्हे राजा तो आ चुके हैं एंड अब दुल्हन का वेट करते हैं, वो भी आएंगी अब थोड़ी देर में। ऐसे माला हो चुका है एंड ग्रूम एंड ब्राइड की सारे रिलेटिव्स के साथ पिक्स ली जा रही है जैसा तो आपको पता ही है। एंड फाइनली शादी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, सबका खाना पीना भी हो गया है, भीड़ आपको जो मैंने दिखाई थी वो भी कम हो चुकी है एंड हम लोग भी फ्री है। चुका है, मैं आपको ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग है एंड फेस तो पूरा पिंक दिख रहा है,
एंड मेरे को यहाँ पे कंपनी के लिए मेरे दो फ्रेंड्स मिले हुए हैं, सोना एंड निखिल। तो दोनों मेरे को कंपनी दे रहे हैं, तो हम लोग ने सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अच्छा है क्योंकि। हाँ थैंक यू। तो हम लोग का डिनर हो चुका है, हम लोग यहाँ पे से घूम रहे हैं और अभी हम लोग थोड़ा और थोड़ा कुछ मीठे में देखने जा रहे हैं। हाँ। डेजर्ट देखने जा रहे हैं हम लोग थोड़ा, तो आपको दिखाते। मैंने खाना तो नहीं दिखाया क्या खाए हैं, बस खा लिए है, ओके ओके वाला है। चलिए चलते हैं। So guys, यहाँ वेडिंग की शुरुआत हो चुकी है एंड हम लोग यहाँ पर सब बच्चे बैठे हुए हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं घर, भैया भी जा रहे हैं वैसे, एंड भाभी यही रुक रही है क्योंकि उनकी फ्रेंड की वेडिंग है। सो उनकी सारी फ्रेंड यहाँ पे, तो वो सब रुक रही है यहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं घर चाबी को लेकर, क्योंकि ठंड है तो हम लोग यहाँ रख नहीं सकते, तो हम लोग जा रहे हैं।